और then then we विल सी, he ain't a tech he is a blooming busy body that's what he, he is i tell you look at his boots अब वो कह रहे हैं कि देखो वो तो बड़ा जो है ना वो किसी की बात नहीं सुनता वो तो बहुत मसरूफ आदमी है देखो उसके पैर पानी से भरे हुए हैं तो तो बहुत मसरूफ है अब जो नोट टेक कर वो इंसान जो लिख रहा था डायरी पे कुछ वो बोला हु टोल्ड यू माई पीपल कम फ्रॉम सेल कहा तुम्हें किसने बताया कि मैं सैलसे से हूँ यानी कि सैलसे एक ऐसा इलाका हो सकता है जो कि जाना जाता हो कॉप्स के लिए या मशहूर हो वहाँ के जो लोग हैं वो जासूसी वगैरह करते होंगे द नो टेकर नेवर यू माइंड दे डिड टू द गर्ल हाउ डू यू कम टू बी सो फार ईस्ट यू वर बॉर्न इन लिसन ग्रूव अब वो लड़की से पूछ रहा है कि तुम Listen groove, ये वेल्स की तरफ इलाका है कि वहां पैदा हुई हो तो वहां से यहाँ कैसे आ गई हो फ्लावर गर्ल देयर इन वीक ओ और फिर वो रोना शुरू कर दी तो कहती है अगर मैंने वहां से लिसन ग्रूव जो इलाका छोड़ दिया तो क्या हुआ है वहां पर तो कोई पिग भी नहीं रहना पसंद करता बैकवर्ड it, एरिया it, it तो उसने छोड़ दिया उसने कहा कि वहां पर तो मुझे रेंट भी देना पड़ता था फोर डॉलर एंड सिक्स पैनीज़ अ वीक और फिर क्या होता है कहता लिव वेर यू लाइक बट स्टॉप दैट नॉइज उसने कहा ठीक है जहां भी तुमने रहना है तुम रहो लेकिन तुम क्या करो जहाँ भी रहना है रहो लेकिन तुम वो जो इलाका है जो रोना छोड़ दो शोर मचाना छोड़ दो अब ये जो बात है इसकी that shows us how insensitive that person is. कि उसको चुप नहीं करवा रहा सिंपथाइज नहीं कर रहा बल्कि कह रहा है कि जहां भी रहना रहो बस रोना बंद करो यहाँ पे शोर मचाना जो है वो बंद करो सो हाउ अनसिम्पथाइज पर्सन ही इज ओके जेंटलमैन वो आदमी जो थोड़ी देर पहले आया था जिसको उसने फूल खरीदने की पेशकश की थी उसको कहता है ही ही कैन टच यू, यू यू हैव अ राइट टू प्लीज। उसने कहा कि आ जाओ वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता तुम जहां रहना चाहो तुम रह सकती हो आ सारे स्टैंड बेटे एक तंजिया सार्केज्म जो होता है ये एक मजा में लिपटा हुआ एक तंज होता है tone के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की सरकाजम पे बात की कि जैसे आपकी कोई मदद नहीं कर रहा आपने किसी को है, मेरी मदद करो वो देख ही जा रहा है और आप अपना कंप्लीट कर लिया है, काम और आप जाते हुए थैंक यू फॉर योर हेल्प थ्रस्टिंग हिमसेल्फ बिटवीन for instance, जेंटलमैन like to go into the housing question with you. I would उसने कहा जनाब मेरा नाम पाक लेन है और मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा और वो उन दोनों के दरम्यान आके खड़ा हो गया द फ्लार गर्ल सब साइडिंग इन टू अ ब्रूडिंग मेलन कली ओवर हर बास्केट एंड टॉकिंग वेरी लो स्परिचुअल टू हर सल आम अ गुड गर्ल आई एम अब वो अपनी टोकरी ले गए एक साइड पर बैठ जाती है और क्या करती है कि जी बेटे आवाज नहीं आ रही आपको आमनांजुम कैन यू हेयर मी ओके द डू यू नो आई कम फ्रॉम क्या तुम्हें पता है कि मैं कहां से हूं द टेकर हॉक्सटन चिटरिंग पॉपुलर इंटरेस्ट इन द नोट परफॉर्मेंस इंक्रीजेस हैरान हो गए हैं वो वो भी हैरान हो गया वेल हु सेड I didn't ब्लाई मी यू नो एवरी थिंग यू डू कहते तुम्हें सब कुछ ही पता है सब कुछ जानते हो तुम Every time it's a almost a different person. बेस्ट tender तमाशाई को कहते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग हैं हर almost जो है एक अलग ही आदमी जो है वो participate कर रहा होता है इस प्ले में बात का जो डायलॉग है वो उसका होता है तो बे स्टैंडर एक आदमी नहीं है यू टू नो अबाउट पीपल वट नेवर ऑफर्ड टू मेडल विद यू वेयर योर वारंट कहता है कि तुम्हारा वारंट कहाँ है तुम लोगों के मामला में क्यों मुदाखलत करते हो और अगर करते हो तो वारंट कहाँ है यस सेवरल बे स्टैंडर अब बाकी तमाशाई तो भी जो हैं वो उसका साथ दे रहे हैं यस वेयर योर वारंट ये आपका वारंट जो है वो कहां है द फ्लावर गर्ल लेट हिम हैव नो ट्रक हिम कहते हैं उसके साथ मेरा कोई कोई मामला नहीं नहीं है मैं चाहती उसके साथ. यू टेक डोंट यू कैच यू टेकिंग लाइबर्टीज विद द जेंटलमैन यस हिम वेयर ही कम फ्रॉम इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर्च्यून टा लेंगे और उसने कहा है कि जनाब तुम आजादी लेती फिर रहे हो और तुम 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 हमें पैरों की धूल के बराबर नहीं समझते और जो तुम्हारा दिल करेगा तुम लोगों के साथ करोगे और दूसरा कहता है कि हाँ इसको भी बता दो कि ये कहाँ से है यानी कि वो जो उसने बात की है ये बेस स्टैंडर्ड ने दूसरा बोला है कि हाँ भाई बताओ इसके बारे में तुम्हें तो, तो सब कुछ पता ये भी कहाँ से है तो वो उसको कहता है कि शेल्ट कैम्ब्रिज एंड इंडिया कि तुम इन तीन चार जगहों से होकर आए Quite right, great laughter, हो क्वाइट राइट ग्रेट लाफ्टर सारे सुना शुरू हो गए कि भाई बिल्कुल मे एस्क सर डू यू डू दिस फॉर योर लिविंग एट अ म्यूजिक हॉल तो अब उसमें से जनाब वो जो जेंटलमैन आया था तो उसने कहा है कि जनाब क्या आप अपना लिविंग का मतलब होता है पेशे के तौर पर तो क्या तुम पेशे के तौर पे ये काम करते हो लोगों को सुनते हो और बता देते हो कि वो किस इलाके से हैं द नाटेकर no उसने कहा कि हाँ सोचा है शायद कभी मैं ऐसा कर भी लूँ तो बेटा पिछले जो पेज है उसकी समरी ये है कि एक आदमी है जो सुनता है और सुन के ये बता देता है कि कहाँ से वो इंसान जो है वो ताल्लुक रखता है तो कहाँ से वो इंसान ताल्लुक रखता है यानी कि वो बेसिकली क्या करता है कि एक इंसान की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से ही अंदाजा लगा लेता है कि वो इंसान जो उसका डायलैक्ट कहता है अब वो कैसे अंदाजा लगाता है सुने इन एवरी लैंग्वेज देर आर डायलैक्ट जैसे कोई इंसान सियालकोट से, से हो तो हम उसकी लैंग्वेज बोल सुन लेते हैं जैसे कोई इंसान नारोवाल से आया तो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है जैसे कोई इंसान डस्का से है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है वो लैंग्वेज नहीं डिफरेंट होती जो नारोवाल वाला, वाला है वो भी उर्दू बोलेगा जो सियालकोट वाला है वो भी उर्दू बोलेगा या पंजाबी बोलेगा तो फिर उसमें डिफरेंस क्या है भाई डिफरेंस है डायलैक्ट अब डायलैक्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो डायलैक्ट के अंदर फिर आती है टोन एंटोनिम वगैरह कई दफ़ा डायलैक्ट के अंदर एक ही मतलब को वाजा करने के लिए डिफरेंट वर्ड भी यूज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा जा रहा है उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गया हम कहते हैं इसकी उल्टबाजी लग गई लेकिन अगर हम नरवाल वाली साइड पे जाते हैं तो इस तरह से कोई गिर जाता है स्लिप होकर तो वो कहते हैं इसकी लुड्डी लग गई है सो दिस इज द डिफरेंस तो ये डिफरेंस है तो वो क्या करता है

तो वो सुनता है लैंग्वेज को और वो उसको पता चल जाता है कि कहाँ से है बिकॉज ही इज अ टीचर ऑफ अ लैंग्वेज एंड द स्टूडेंट ऑफ अ लैंग्वेज तो बाकी सब लोग जो है वो हैरान होते हैं कि इसको कैसे पता चल जाता है क्योंकि ये पुराना लिखा हुआ प्ले है उस जमाने में इंटरनेट इतनी स्पीड से नहीं होता था तो लोग जो है वो क्या करते थे वो हैरान होते थे और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो वो ये कहता है शरीफ आदमी शरीफ आदमी जनाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आप जनाब नोट टेकर जो है उसकी डॉटर जो है वो बोलेगी आपको याद होगा कि बारिश में एक माँ बेटी वहां इंतजार कर रही थी अब उसका सबर का पैमाना जो है वो

उसने ये जगह का नाम बोला कि ये है ये डॉल्ट्री विल यू प्लीज की जनाब अपने ये जो आपके ये जो तुक्के हैं इनको अपने तक रखोगे तुम प्लीज आई सेउड कहता है कि क्या मैंने ऊंची कह दिया आई डिडेंट मीन टू अबैक योर फॉरन योर मदरस एपसम अनमिस्टेकबली उसने कहा कि तुम्हारी जो माँ है वो एप्सम वाले इलाके से है और मैं गलत नहीं हो सकता द मदर क्यूरियस आई वॉज ब्रॉट अप इन लार्जली पार्क नियर एपसम उसने कहा कि हाँ वाकई मैं बड़ी हैरान हूं कि मैं तो एप्सम में ही पली बड़ी थी नोटेगर हा हा वट अ डेवल ऑफ अर नेम एक्सक्यूज मी डॉटर यू वांट अ कैब डू यू उसने कहा कि देख लो फिर जैसे हम कहते हैं ना कि शैतान को याद किया और शैतान हाजिर तो उसने कहा यू वानब डू यू क्या तुम्हें अब देखें उसकी जो लैंग्वेज है एक जादूगर सी लैंग्वेज है अब देखें उसको कैब नहीं मिल रही तो कह रहा है कि क्या आपको कैब चाहिए द डॉटर डोंट डेयर स्पीक टू मी मुझसे तुम बात ही ना करो पर मुझे भी मुझसे बात करने की तुम कोशिश ना करो श्रग आपको पता है कि कंधे उचकाने को कहते हैं कंधे कैसे उचकाए जाते है? हैं हाथ ऊपर उठा कर और कंधे जो है वो दोनों कानों को लगाने की कोशिश करते हैं यस रमना डू यू है क्वेश्चन सर आपने बताया था कि वो जो जेंटलमैन है उसकी बेटी का नाम क्लारा होता है तो ये जो लड़की है जो मतलब यहां की जो बहन ने बताई हुई है वो भी वही जेंटलमैन की मतलब बेटी है ये या ये कोई और क्लारा है बेटा ये जेंटलमैन की कोई बेटी शेटी नहीं मैंने कहा था आ, सर आपने आ, कहा था उसकी एक डॉटर है उसका नाम क्लारा है जेंटलमैन की डॉटर का नाम चले अगर मैंने कहा भी था तो फिर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैंने ये कहा कहा होगा कि वो जो बेटी थी बेटा बेसिकली वो अपनी माँ के साथ वहाँ इंतजार कर रही है क्लारा जिसने जिससे पैसे ले कर तो फिर जो है वो डू लिटल या फ्लावर गर्ल को दिए थे उसकी माँ ने ये वही है जेंटलमैन की कोई बेटी नहीं है यहाँ पे ठीक है जी वो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में भी हो गया वो आपको समझने में गलती लग गई हो जेंटलमैन की बेटी नहीं है जेंटलमैन अकेला ही बिकता हुआ है और नोट टेकर ये डॉटर और इसकी मदर ये तीनों पहले ही वहां थी उसके बाद फिर एंट्री होती है फ्लावर गर्ल की सॉरी फ्रेडी की और फ्रेडी जो है फिर टकरा के जाता है तो एंट्री होती है फ्लावर गर्ल की पर बेस स्टैंडर जो ये जो तमाशाई हैं ये पहले से वहां पे जो मौजूद लोग हैं वही कोई ना कोई पार्टिसिपेट कर रहा है आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दैट ठीक है सर चलो मेरा पुत्र माइक बंद कर दे ओके जी अब ये बेटी जो है छोटी है ये है बड़ी तेज है अब ये देखती हैं तो जो मदर है वो उसको हमेशा काम करने की कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड द मदर ट्राइज टू टेल हर हाउ टू बिहेव सो अब अपनी बच्ची को जो है ना वो कह रही है वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू यू सर इफ यू फाउंड अस अ कैट द नोट टेकर प्रोड्यूस अ विसल थैंक यू शी जॉइंस हर डॉटर द नोट टेकर ब्लोज अ पिर्सिंग ब्लास्ट अब होता क्या है जी वो आपको पता है कि वो सीटी पर जाते हैं हाँ, उंगलियां रख के तो वो कहता है वो उसको कहती है कि जनाब आप अगर हमें जो है वो एक टैक्सी ढूंढते तो मेहरबानी होगी ये बचिया चलेर आई नोड ही अ प्लेन क्लॉथ चॉपर उन्होंने कहा कि ये इसकी हरकते जो है ना ऐसी टुच्ची सी है ये किसी कपड़े की दुकान पे काम करने वाला है या कोई दर्जी दर्जी है The base दैट्स अ स्पोर्टिंग वहीसल उसने कहा कि ये तो पुलिस वाले की सिटी नहीं है द फ्लावर गर्ल स्टिल प्री ऑक्यूपाइड विद हर वेड फीलिंग ही इज नो राइट टू टेक अवे माई करैक्टर माई करेक्टर इज द सेम टू मी एज एनी लेडीज अब जनाब वो फ्लावर गर्ल वहीं मुरझाई हुई बैठी है कि वो क्यों मेरे बारे में बता रहा है अब देखें आप आए कोबावा को किसी दूर के पिंड थे और आके आप शहर में कहीं खड़ी हुई हैं तो बंदा आपकी बोली सुन के के आप तो वो फलाने पिंड से नहीं है तो बंदा शर्मिंदा हो जाता है और या फिर अगर शर्मिंदा नहीं भी होता तो एक फीलिंग आ जाती है उसके अंदर कौन सी वाली आप ये कह सकती हैं कि अंडर एस्टिमेशन की या ओवर एस्टिमेशन की जो कन्फ्यूज कर देती बंदे को तो बंदा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता तो इसी तरह से वो भी हर्ट हुई है

हमें पता है कि तुम एनवे से आई और जाओ वहीं चले जाओ अब ये जो प्लेसेज हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है आप और आप इनको गूगल करेंगे तो आप देख सकते हैं यस रमना यू हैव अ क्वेश्चन

मॉक रिस्पेक्ट एंड स्ट्रोस मॉक मजाक उड़ाना वो इतना उड़ाते हुए क्या करता है वो अपना हेड जो है वो उसको टच करता है ठीक है जी टीचर साहब हैं आप अल्लाह द फ्रेटिंग पीपल लाइक दैट हाउ वुड ही लाइक इट हिमसेल्फ कहते कि इस तरह लोगों को डराना ये इसको खुद भी कैसे अच्छा लग सकता है द मदर इन नाउरा वी कैन वॉक मोटर बस कम अपने स्कर्ट वगैरह और वो सारे टखनों टुकड़ों से उठा के जैसे बंदा बारिश में चलता उसको आओ अब हम जाती तो अब उसकी माँ आगे चली जाती है तो वो पीछे उसको कह रही होती है लेकिन वो जो कैब लेने गया है उसका क्या करना है तो वो उसकी माँ सुनती नहीं है कहती कितना थक गई हूँ मैं और उसके पीछे गुस्से से चलती है क्योंकि वो आपको पता चल ही गया होगा कि वो कैब पे घर जाना चाहती है और उसकी जो मदर है वो कह रही है कि चलो आओ कैब नहीं मिलती तो वी विल गो थ्रू बस ये बात उसे पसंद नहीं ऑल द रेस्ट है द जेंटलमैन एंड द फ्लावर गर्ल सब लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन तीन लोग जो हैं वो वहीं रह जाते हैं नंबर वन जेंटलमैन एंड द फ्लावर गर्ल और तीसरा कौन सा है नोट टेकर और वहां पर जो फ्लावर गर्ल है वो अपनी बास्केट को सेट कर रही है और अपने ऊपर जो है वो क्या कर रही है बिल्कुल वैसे ही जो है वो बात कर रही है द फ्लावर गर्ल पुअर गर्ल हार्ड एनअ फॉर हार्ड टू लिव विदाउट बींग वरीटेड एंड चीवेट कहता है कि एक गरीब लड़की जो है उसके लिए कितना मुश्किल है इस तरह से रहना बगैर तकलीफों के दुख के ही नहीं सकती द जेंटलमैन रिटर्निंग टू हिज फॉर्म प्लेस ऑन द लेफ्ट हाउ डू यू डू इट इफ माई इफ आई मे एस्क उसके पास जाता है और उसको कहता है कि आप ये कैसे कर लेते हो कैसे आपको पता चल जाता है कि कौन सा इंसान कहाँ से है द टेकर सिंपली फनेटिक्स कहते जनाब आवाजी द साइंस ऑफ स्पीच कहता है गुफ्तु उसकी साइंस से दैट्स माई प्रोफेशन दैट्स माई हॉबी यही मेरा शौक़ है और यही मेरा पेशा है हैप्पी इज़ द मैन हु कैन मेक अ लिविंग बाय हिज हॉबी कहता है वो कितना खुशकिस्मत इंसान होगा जो अपने शौक़ को ही अपना पेशा बना ले यू कैन स्पॉट एन आयरिश मैन आर अर्कशायर मैन बाय हिज ब्रॉ कहता आप अपनी आवाज़ से लहजे से ही बता सकते हैं कि कौन सा इंसान कहां से है आई कैन प्लेस एनी मैन विद इन 6 माइल्स आई कैन प्लेस हिम विद इन 2 माइल्स इन लंदन सम टाइम्स विद इन टू स्ट्रीट्स कदा जनाब वे इस 6 मील के अंदर-अंदर जो भी बोली बोली जाती है मैं उस इंसान का पता बता सकता हूं और कई दफा तो मैं वो दो गलियों का भी बता सकता हूं कि जहां से वो है उसकी लैंग्वेज की बेस पे टफ फ्लावर गर्ल आर टू बी शेम्ड ऑफ हिमसेल्फ अनमैनली कवर्ड तुम्हें अपने ऊपर जो है है ना वो शर्म नहीं आती इंसान जेंटलमैन बट देर इज आर लिविंग इन दैट अब वो जो जेंटलमैन है वो बोला है कहता कहता लेकिन ये तो तो पेशा है तो नोट करो yes, बहुत अच्छा पेशा है दिस इज एन एज ऑफ मैन बिगिन इन कैंटिस्ट विद एटी पाउंड

Of worship. कहते या तो यहाँ तुम रुक जाओ या कहीं और जाके तुम क्या करो अपना ले लो द फ्लावर गर्ल आई राइट टू बी हेयर इफ आई लाइक अगर मैं यहाँ चाहूँ रहना तो मैं रह सकती हूँ मुझे पूरा हक है बच्चों तो में आपको अब टाइम जो है वो खत्म हो रहा है तो मैं आपको दोबारा से जो है वो सेंड करता हूँ एड्रेस तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा थैंक यू वेरी मच